अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप में दो दफ़ा चैम्पियन रहने वाली टीम वेस्ट इंडीज़, जो कि इस वक्त क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि वनडे वर्ल्ड कप में दो दफ़ा चैम्पियन बन चुकी है। जब से 48 साल हुए वनडे वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तो पहला फाते भी मतलब कि वेस्ट इंडीज़ की टीम भी थी। तो देखें दोस्तों, आज वेस्ट इंडीज़ टीम का ये हाल हो गया है कि वो क्वालिफाइंग राउंड में छोटी छोटी टीमों से ही हार रही है और वो क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गई। इस तरह वर्ल्ड कप 2023 वेस्ट इंडीज़ के बगैर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको तफसीलात बताते हैं कि वेस्ट इंडीज़ ने 6 मैचेस में से सिर्फ 2 ही जीते हैं और 4 मैचेस हार गए, जिसमें चारों ही मैचेस छोटी टीम्स में थे, जिसमें एक नेदरलैंड है, स्कॉटलैंड है और जिम्बाब्वे है। तीनों ही छोटी टीमों ने इस बड़ी टीम को, वेस्ट इंडीज़ की टीम को हरा कर क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर कर दिया। दोस्तों, आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि दो दफ़ा चैम्पियन रही, वो आज इस 2023 के वर्ल्ड कप में ही बाहर हो गई। वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ के बगैर होगा। दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वेस्ट इंडीज़ 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला है, उसमें वेस्ट इंडीज़ शिरकत नहीं करेगी और उस वर्ल्ड कप से ही आउट हो गई है। दोस्तों, अगर आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या वेस्ट इंडीज़ के बगैर वर्ल्ड कप में मज़ा आएगा, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के बगैर मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड कप का मज़ा नहीं आने वाला। अगर आपको मज़ा आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वेस्ट इंडीज़ के बगैर क्या वर्ल्ड कप में मज़ा होने वाला है या नहीं। तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।